जून की शुरुआत कैसी रहेगी आपके लिए, आज के हैप्पी स्कोप में करेंगे इसकी बात। अब सबसे बड़ी चीज जो होगी वो है ये कि इस सप्ताह के अंत तक मरकरी यानी कि बुध अपनी चाल बदलेगा और इसका असर काफी अलग अलग तरीके से हर राशि को देखने को मिलेगा। और साथ ही वीनस यानी कि शुक्र भी अपनी चाल बदलेगा जो कि लग्जरी और अबंडेंस पर भी असर डालेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका आने वाला सप्ताह। एरीज यानी कि मेष राशि, अगर आप ऑफिस में या बिजनेस में दबदबा बनाना चाहते हैं और सीनियर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। साथ ही अगर कहीं पर पैसे फंसे हुए थे आपके तो आप वो भी वापस ले पाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप इस मुद्दे पर कंसर्न पर्सन से बात जरूर करें। डिसीजंस लेने में काफी मैच्योर रहेंगे आप, जिससे इस सप्ताह भविष्य के लिए भी अच्छा निवेश कर पाएंगे आप। ये सप्ताह सेल्फ लव की तरफ आपको अग्रसर करेगा और याद रखें कि खुद को थोड़ा समय दें और हो सके तो एक अच्छे से स्पा के लिए जरूर जाएं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ये सप्ताह आपके लिए कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स के लिए बेहद अच्छा है। अगर आप बड़े दिनों से किसी बड़े वेंचर के बारे में सोच रहे थे या फिर किसी के साथ काम करने का सोच रहे थे तो आपको अभी उस पे काम करना चाहिए। अगर आप आवाज का कोई काम करते हैं या प्रेजेंटेशन से जुड़ा है आपका काम तो फिर इस सप्ताह आपके काम के चमकने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपनी कमाई के जरिए या अर्निंग सोर्सेस की तरफ थोड़ा ध्यान देकर चलें। प्रेम संबंध में हैं अगर आप तो अब आप आगे बढ़ने का या और सीरियस होने का सोच सकते हैं। घर परिवार में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी आप अपनी दृढ़ता से सुलझा पाएंगे। घर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, ये सप्ताह आपको जरा इंट्रोस्पेक्शन मोड पर ले जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको यही सजेशन है कि इस समय थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखें। ऐसे में ये हो सकता है कि आप प्लानिंग ही करते रह जाएं और उसके आगे एग्जीक्यूशन में आपको प्रॉब्लम्स आ जाएं। इससे आपका रुतबा ऑफिस में कम हो सकता है तो ध्यान रखें। इस टाइम पर अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो समय अच्छा है। कोई टैलेंट है जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या बढ़ावा देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। वाक चातुर्य या फिर बोलने के लिहाज से आप सभी को इम्प्रेस कर पाएंगे। इससे प्रेम संबंधों में भी आप और आपके पार्टनर के बीच अच्छा समय बीतेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आप इस सप्ताह काफी बैलेंस्ड डिसीजंस लेंगे, अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर आएंगे जिन्हें आपकी सलाह और मदद की जरूरत हो सकती है, उन्हें अनदेखा मत कीजिएगा। ये लोग आपको आगे जरूर काम आएंगे। आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में आपकी दिलचस्पी है तो फिर आपके लिए ये सप्ताह काफी इनकरेजिंग रहेगा। प्रेम संबंध तो अच्छे रहेंगे मगर साथ ही बच्चों को लेकर अगर कोई समस्या है तो वो भी सुधर जाएगी। इससे घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह मटेरियल गेन्स होने के भी अच्छे आसार हैं। लियो यानी कि सिंह राशि, इस सप्ताह अलग अलग आय के स्रोत आपके बनेंगे। अगर आप और स्रोत ढूंढ रहे हैं तो उनके मिलने की भी संभावना काफी अच्छी है। साथ ही अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं आपके लिए और आपके काम को इस सप्ताह काफी सराहना मिलेगी, जिसकी वजह से आपका रुतबा ऑफिस में या वर्क प्लेस में काफी बढ़ेगा। ऐसे में पैसे और सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल सही समय है। प्रेम संबंधों में आपका पलड़ा इस बार भारी रहेगा। आप अगर साथ में मिलकर कुछ खरीदना चाहते हैं या सोच रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो वो सफल होगा। परिवार की तरफ से कुछ समस्याएं आएंगी तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा और बड़ों से खासकर आराम से बात कीजिएगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि, आपके लिए सबसे अच्छी ये बात है कि अगर आपका स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ किसी भी तरीके से ढीला चल रहा था तो उसमें थोड़ी बेहतरी आएगी, बेटरमेंट होगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि ऑफिस सेटिंग में अगर कोई आपको थोड़ा सा चिढ़ा रहे हैं या फिर कुछ काम में अड़चन डाल रहे हैं तो ज्यादा परेशान ना हो। आपके सब्र यानी पेशेंस को थोड़ा सा टेस्ट जरूर किया जाएगा मगर आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा करने से आपका रुतबा बढ़ेगा और आप सबके बीच एक अच्छी पैठ बना पाएंगे। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में खास निखार आएगा और आप कुछ प्यारी सी डेट्स पर भी जा सकते हैं। जहां निवेश की बात आती है तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही करें। लीब्रा यानी कि तुला राशि, इस सप्ताह थोड़ा समय जो है वो लगेगा, यानी कि आपके रुके हुए काम जो है वो आगे तो बढ़ेंगे मगर धीमी गति पर। अगर जॉब बदलने का सोच रहे हैं आप तो थोड़ा सा रुक जाइए। वो लोग जो हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी परीक्षा के लिए थोड़ा और काम करना पड़ेगा। ये सप्ताह प्रेम और पारिवारिक संबंधों को लेकर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मगर ऐसा नहीं है कि ये सीरियस होगा। कोशिश करें कि ज्यादा दबाव ना बनाएं या फिर ज्यादा अड़ियल ना हो किसी भी फैसले को लेकर।
शनि के थोड़े से उपाय जरूर कीजिए, खासकर अपने आसपास पुरानी और अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या तार को मत रखिए। साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए तो सप्ताह बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आपका और आप अपने काम और गोल्स पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इस सप्ताह आपके डिसीजंस भी काफी अच्छे और बैलेंस्ड रहेंगे। अगर कोई कानूनी या पैसे से जुड़ा मामला फंसा हुआ है आपके लिए तो उसके आगे बढ़ने की संभावना है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक संबंधों में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा और आपकी बात मानी भी जाएगी। अगर किसी क्रश के बारे में सोच रहे हैं आप तो अच्छा सप्ताह होगा, उनसे बात करके मामले को आगे बढ़ाइए। अगर शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो फिर ये सप्ताह अच्छे संबंध मिलने के चांसेस हैं आपके लिए। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, अगर आप हायर एजुकेशन को लेकर या फिर जॉब प्रमोशन को लेकर काफी समय से चिंता में थे तो आपको इस सप्ताह अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। निवेश के तौर पर भी ये सप्ताह काफी कुछ लाएगा आपके लिए और खास इस समय पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर उससे जुड़ा काम है आपका तो आपको लाभ होने की पूरी संभावना है। प्रेम संबंधों में खास ये है कि आप अगर कोई नया संबंध खोज रहे हैं तो आपको कोई आपकी मन पसंद जरूर मिल सकते हैं, मगर याद रखें कि ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, ये जो सप्ताह है ना ये आपके लिए रीपिंग टाइम यानी कि अपने पुराने किए गए कर्मों का फल लेकर आएगा। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो आपने पिछले 6 से 8 महीने में लिए थे उनका अच्छा नतीजा आपको इस समय देखने को मिल सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नए घर में निवेश करना चाहते हैं अगर तो समय अच्छा है। देखिए प्रेम संबंधों में कुछ तनातनी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाएं तो कोशिश कीजिएगा कि सब्र से काम लें। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, अगर आप अपने करियर को लेकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, प्रमोशन मांगना चाहते हैं या फिर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप कोशिश कर सकते हैं। आपके हिस्से कई अच्छी अचीवमेंट्स भी आ सकती हैं तो मेहनत को जारी रखिए। करियर के मामले में आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर आप नए संबंध की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये अच्छा सप्ताह है। साथ ही अगर पुराना रिलेशनशिप है आपका तो आप आगे बढ़ने और कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे। बड़े बुजुर्गों से अच्छी बनेगी आपकी तो इसी वजह से ये सप्ताह तो अच्छा रहेगा। अगर निवेश का सोच रहे हैं आप तो घर परिवार के लिए निवेश कर सकते हैं। पाइसीज यानी कि मीन राशि, आपको पहले ही बता दें कि ये सप्ताह आपके लिए तो बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आ रहा है। इस समय आप काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो कि खास आपके लिए ही होंगी। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं तो फिर इस सप्ताह आपको प्रमोशन या फिर रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर फाइनेंस से जुड़े हैं आप तो भी इस सप्ताह कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रेम संबंधों में तो खास ये समय आपके लिए आपसी सहमति, सद्भाव और एक दूसरे के लिए प्यार और समझ को बढ़ाएगा। पारिवारिक संबंध भी अच्छे रहेंगे।